नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज ये फेसबुक, सोशल मीडिया और अन्य तरह के जो ये प्लेटफॉर्म बने हैं हम लोगों के संवाद के लिए, हम लोगों के आप तक की पहुंच के लिए, तो इन माध्यमों से जब हम कोई अपना लाइव सेशन चलाते हैं या वीडियो डालते हैं या पोस्ट डालते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल एक आता है, कुछ हमारे जो कट्टर जातिवादी भाई हैं उन जातिवादी भाइयों के सवाल होते हैं कि आप जय श्री कृष्ण क्यों नहीं बोलते। आप उन्हें भगवान क्यों नहीं मानते, क्या आप उनके वंशज नहीं हैं? तो ऐसे सवाल, जो पेचीदा सवाल होते हैं, उनके जवाब बहुत सरल हैं। मैं दूंगा आज इसीलिए आपसे, ये मैं बना रहा हूं कि उन तक, उन लोगों तक ये पहुंचे, वो जानेंगे, बार बार मुझे परेशान ना करें या बार बार मुझे वो डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि जब वो डिस्टर्ब करते हैं तो मैं अपनी वास्तविक चीजों को आपके सामने ला पाने में थोड़ा असहज महसूस करता हूं। तो मैं आपसे इस विषय में बात करना चाहता हूं कि श्री कृष्ण के अस्तित्व के विषय में, कि श्री कृष्ण का अस्तित्व था या नहीं था। सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन ये इतिहासकारों के मत हुए हैं। मैं उन विषय में, मैं इतिहासकारों की बातें मैंने ज्यादा, मतलब ज्यादा तो सुनी नहीं है ना ज्यादा पढ़ी है, लेकिन मैं अपने विवेक के अनुसार जो मुझे लगता है वो मैं बताने का काम करूंगा। पहला, कि श्री कृष्ण का अस्तित्व था या नहीं था, इस विषय में आप जान सकते हैं कि जब ये ब्राह्मणीकरण जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में इंद्र जो था एक ब्राह्मण था। यह कोई दैवीय या स्वर्ग में बैठने वाला व्यक्ति नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी लड़ाई किससे हुई है, आज हमारा शोषण कौन करता आया है, हम पर हुकूमत करने की, हमें गुलाम बनाने के लिए कौन सोचता आया है, ये आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये जानने की कि आ क्या कृष्ण का अस्तित्व था। मैं ये भी आपको बताऊंगा, आप बने रहिए साथ, मैं ये भी बताऊंगा कि मैं श्री कृष्ण का वंशज हूं या नहीं। मैं पहले ये चर्चा करूंगा कि श्री कृष्ण का जो काल्पनिक स्वरूप लोगों के बीच में दिमाग में ये है कि श्री कृष्ण काल्पनिक थे या हैं, तो उस विषय में मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा, क्योंकि यह बहुत जरूरी और अहम मुद्दा है। मैं कृष्ण को काल्पनिक मानता हूं या नहीं, ये पहले मैं इन सब पे जब आपसे चर्चा कर लूंगा, आपको बता दूंगा, उसके बाद आप स्वतः समझ जाएंगे कि मैं श्री कृष्ण को काल्पनिक समझता हूं या वास्तविक। तो आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो श्री कृष्ण के बारे में जो भी साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर मैं आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा। पहला मुझे जो साक्ष्य मिला है वो इंद्र जो हुआ करता था वो ब्राह्मणों का सुपीरियर बंदा होता था, जो जैसे किसी को, एक व्यक्ति को चुन लिया और उसे बना दिया मुखिया, तो वो मुखिया जो बनता था वो इंद्र बनता था। तो जब इंद्र मुखिया बन गया तो उसकी लड़ाई किससे होगी, यानी ब्राह्मण मुखिया बना है तो उसकी लड़ाई किससे होगी, तो वो लड़ाई होती थी श्री कृष्ण से ही लड़ाई क्यों होती थी उस समय, राम से कभी भी इंद्र की लड़ाई नहीं हुई, इंद्र की कभी भी राम से लड़ाई नहीं हुई। आप इस चीज को थोड़ा गौर करिएगा, जिसे हम कहते हैं कि रामायण का राम काल्पनिक है, तो वास्तविक तौर पर काल्पनिक है वो, क्योंकि उनकी पुस्तकें, जो तरह तरह की पुस्तकें आई हैं उनके आधार पर वो सिद्ध हो चुका है कि वो काल्पनिक है यहां पर। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि ऋग्वेद में जिस तरह से कृष्ण को अपमानित किया गया है,
उन्हें शूद्र बताया गया है, तो निश्चित तौर पर अगर उन्हें शूद्र बताने का, नीचा बनाने का काम किया गया है, तो निश्चित तौर पर उनका अस्तित्व था। क्यों अस्तित्व था? आप देख सकते हैं बुद्धिज्म की जितनी भी कलाकृतियां मिलती हैं वह एक ग्वाले के रूप में दिखाई देते हैं, गाय का आकार दिखाते हैं, गाय का दुहना, और यह जो संस्कृति दिखाई देती है यह पूरी की पूरी संस्कृति बताती है कि श्री कृष्ण का अस्तित्व था। और वो अस्तित्व इस प्रकार था कि वह कोई ब्राह्मणीकरण व्यवस्था के राजा नहीं थे, वो बुद्धिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, क्योंकि उनके जो चरित्र को, उनका चरित्र का जो हनन किया गया है वही आप देखिए आज भारत भर में नहीं विदेशों में भी जो मूर्तियां देवी देवताओं के रूप में पाई जा रही हैं उनको अगर साफ कर दिया जाए ठीक से, भारत की तो जितनी देवियां हैं अगर उन देवियों के सारे मूर्तियों को साफ कर दिया जाए तो नहीं तो नीचे से बुद्ध जी की मूर्ति मिल जाएगी। उसी तरह श्री कृष्ण के दामन पर खुलेआम इतने दाग लगाए गए हैं, वहीं से सिद्ध होता है कि वह एक निश्चित तौर पर ओबीसी के राजा थे। अब वो कैसे अपने इस अस्तित्व को बचा नहीं पाए, ईश्वर होते तो अपने ऊपर लगे आरोपों को वो भी बचा लेते। तो सबसे पहला, कृष्ण अस्तित्व नहीं थे, वो भारत के एक राजा थे, मथुरा के एक राजा थे, और उन्हें ईश्वर बना देना केवल केवल यादव समुदाय को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का षड्यंत्र था। आज भी मैं दावा करता हूं कि मथुरा में जो वृंदावन में जितने पुजारी हैं एक भी पुजारी यादव नहीं है। अगर वह सही होता, सत्य होता ये कि भगवान है, तो यादव अपने इस कब्जेदारी को क्यों छोड़े हुए हैं? अगर यादव अपने इस कब्जेदारी को छोड़ा हुआ है और खुद को बाहुबली क्षत्रिय बताने का प्रयास करता है तो अपनी क्षत्रिय गिरी अपने घर में रख लेना। आप अगर वास्तविक क्षत्रिय बनते हो तो मथुरा पे कब्जा करके दिखाओ, मैं भी सबसे पहला मैं खड़ा मिलूंगा वहां पे। लेकिन ये दिखावे वाली बातें छोड़ दीजिए, नाटक करना छोड़ दीजिए, यह चेहरा चमकाने वाली आदतें छोड़ दीजिए। क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय के जो गुण बताए गए हैं वो अपने अंदर समाहित करो। आप खत्तिये थे, खत्तिये हो, खत्तिये ही रहोगे, मतलब खेतिहर हो, खेतिहर ही रहोगे, क्योंकि यह आपके साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। यही आपकी जो सनातन है यानी प्राचीन काल से जो चली आ रही है स्थिति, वही आपका मूल स्वरूप है। आप इस मूल स्वरूप को भूलकर दिखावे में, झूठ में, चेहरा चमकाने के लिए क्षत्रिय बनने का प्रयास करते हो लेकिन बन नहीं पाते, क्योंकि आपकी अपनी कोई वास्तविक क्षमताएं नहीं है। वो क्षमताएं क्यों नहीं है? आज विंध्याचल देवी आप कहते हैं आपकी कुल देवी है, हमारी कुल देवी है, लेकिन हमारी कुल देवी की वसूली कौन कर रहा है? वहां पे बैठा हुआ वसूली कर रहा है चुटियाधारी, एंटीनाधारी। हमें इतनी क्षमता नहीं कि हम अपनी देवी की पूजा कर सके, अपनी कुल देवी की पूजा कर सके। हम इतने नपुंसक हैं, हमारी इतनी क्षमताएं, जो हमारी क्षमताएं हैं वो नग्न हैं, निम्न हैं, कि हम उनकी पूजा स्वतः नहीं कर सकते, स्वयं नहीं कर सकते। तो और यही हाल मथुरा और वृंदावन में है, सारे के सारे पुजारी माल खा रहे हैं दूसरे, और वो आपकी, आप बताते हो कि आप उनके वंशज हो। आप उनके वंशज होते तो निसंदेह उसी तरह के कार्य करते, क्योंकि उनके बाहुबल से इंद्र सिकुड़ गया था। इंद्र यानी ब्राह्मण, सुदामा को वहां पे क्यों उन्होंने प्लांट किया? इसीलिए कि जब आप रौद्र रूप में आओ, अपने हकीकत स्वरूप में आओ, तो वो ला के सुदामा कमजोर को खड़ा कर देंगे। हम तो सुदामा हैं,
जब वो सुदामा बन जाएंगे तब स्वतः आप द्रवित होके गले लगा लोगे कि ये तो हमारे महा भगवान ने किया था, तो हम क्यों इसको बेचारे को कुछ कहें। और यहीं पर वो सुदामा करता क्या है, आपके आरक्षण खा जाता है, आपका सम्मान खा जाता है, आपके हिस्से का जो वहां पे चढ़ावा आ रहा है वो खा जाता है। अरे तो कहां से आप क्षत्रिय हो भाई, क्षत्रिय हो चलो मथुरा पे कब्जा करो, अगर आपसे पीछे रह जाएं तो कहिएगा। तो यहां पे सवाल ये उठता है कि ये कृष्ण का अस्तित्व के बारे में, तो ये कृष्ण का अस्तित्व अवश्य है, और वो अस्तित्व कैसे है थोड़ा और भी कुछ चीजें हैं मैं जो बताऊंगा। सम्राट अशोक के समय में सिक्के चला करते थे, जो सिक्के चलते थे उसमें वासुदेव कृष्णा का जिक्र हुआ है, तो वो निश्चित तौर पर उस समय कुछ एविडेंस मिले रहे होंगे जिसकी वजह से वो जिक्र किया है। लेकिन यहां मैं ईश्वरीय रूप में कृष्ण का स्वीकार मैं नहीं करता, क्योंकि ईश्वर इस धरती पर नहीं है, ये एक संयोग मात्र है कि ये जो जीवों का निर्माण, ये सब एक कोशिकाओं की संरचना का निर्माण, ये इसकी प्रक्रिया के तहत ये स्वरूप बना हुआ है। क्योंकि ईश्वर यदि होता तो निश्चित तौर पर ये ऊंच नीच के घालमेल और भारत में ही इनका दायरा बंद के ना होता, यह पूरे विश्व में होता। तो जिसका विश्व में नहीं है तो वो भारत का है, तो क्या भगवान केवल इतनी दूर का ही प्रोडक्ट था, उसकी क्षमताएं सीमित थी। तो यहां पर हम लोगों के इतिहास के साथ जो घालमेल किया गया है, और वो घालमेल इतना खतरनाक है कि आज हम अपने वास्तविक स्वरूप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। YouTube पे आप सभी देखते हैं बहुत सारे चैनल बने हैं जो बताते हैं यादवों का ब्राइट इतिहास, यादवों का बहुत सूरवीर इतिहास। वो निसंदेह वो उस इतिहास में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब आप चले जाइए जो आपके विरोध में बना रहा है वह क्या कर रहा है। आप अभीर को उठाते हो, वो अभीर को याद अहिर से अलग कर देता है और उसके साक्ष्य लाके दे देता है, फिर आप अहिर कहते हो यादव कहते हो तो उसमें भी अलग कर देता है कि अहिर अलग थे यादव अलग थे, फिर यदुवंश की बात आती है। तो इस तरह आप तो अपने आप को बता के गौरवान्वित हो रहे हो, लेकिन उस गौरवान्वित होने में सामने वाला क्या आपकी बातों को सामाजिक महत्व दे रहा है, ये स्वयं अपने आप में गौरवान्वित होना एक अलग बात है, समाज उसे स्वीकार करे वो अलग बात है। तो गौरवान्वित होने के लिए क्या आज आपके पास कम साधन संसाधन हैं? हमारे पास गौरवान्वित होने के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, हमारे पास गौरवान्वित होने के लिए तेजस्वी यादव हैं, उनके पिताजी लालू जी हैं, लपेरिया ललई यादव हैं। क्या ये गौरवान्वित होने के लिए हमारे पास इन महापुरुषों की संख्या श्रृंखला कम है? क्या आप अपने आप को इतना सक्षम नहीं पाते हैं कि जो इतिहास हमारे महापुरुषों ने बनाया, क्या आप महापुरुषों की जय जयकार में ही अपना समय नष्ट कर देना चाहते हैं? आप अपना इतिहास नहीं बनाना चाहते? आपका इतिहास, आपका नाम लेने वाला, जैसे श्री कृष्ण का नाम तो चलता आ रहा है, वो आगे चलता जाएगा, आपका नाम कौन लेगा? ये बिल्कुल आपने नहीं सोचा। उस भीड़ में खोए हुए हो जिस भीड़ को ब्राह्मणीकरण व्यवस्था ने जकड़ रखा है, आप उस भीड़ से निकलिए। आज श्री कृष्ण के अस्तित्व के बारे में मैं केवल उन्हें एक राजा का स्वरूप दूंगा, और राजा की जात नहीं होती, क्योंकि वह राजा पूरे समाज के लिए काम करता है, वह केवल यादवों के लिए काम नहीं करता। या यूं कहें कि आज कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ है जिसके बारे में सुना हो उसने अपनी सभी जातियों के सूबे दे दिए, लेकिन जो जहां वो सूबे रहा करते थे या जो भी उनके छोटे छोटे रजवाड़े रहा करते थे, वो उनके रजवाड़े उसी तरह रहते थे, भले वो विजयी हो जाता था, भले उसकी जातियां अलग थी, वहां पे अपनी जाति का राजा जाके नहीं बनाता था। तो यहां पर
श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वह मैं एक बुद्धिजीवी के रूप में मानता हूं, क्योंकि जिस तरह से इंद्र के साथ उसकी लड़ाइयां दिखाई गई हैं वो लड़ाइयां ये बताती हैं कि अगर ब्राह्मण से कोई लड़ा है तो उसका अस्तित्व पक्का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह उनके ऊपर लांछन लगा है वो लांछन बताता है कि उनका अस्तित्व है। तो आइए, अब ये हो गई अस्तित्व की बात, अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग जो बार बार ये सवाल करते हैं, पूछते हैं क्या आप श्री कृष्ण के वंशज नहीं हैं, तो मैं ये कहूंगा, एक बार नहीं 100 बार कहूंगा कि मैं श्री कृष्ण का वंशज नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास अपने परदादा के अलावा उसके ऊपर की पीढ़ी का किसी का कोई नाम नहीं है, किसी का कोई नाम मेरे पास नहीं है। और मैं वहीं तक गर्वान्वित होऊंगा जहां तक मुझे अपनी पीढ़ी का नाम पता है। मैं एक राजा के रूप में गौरवान्वित महसूस तो कर सकता हूं, लेकिन मुझे अपनी जिस पीढ़ी तक का नाम पता है वही गौरवान्वित होऊंगा। दूसरी तरफ एक राजा के रूप में श्री कृष्ण को मानकर मैं गौरवान्वित हो सकता हूं कि हमारे समाज के वो राजा थे। लेकिन अब यहां पर सवाल यह भी आता है कि कुछ लोग जो कहते हैं कि मैं उनका वंशज हूं, उनसे भी मेरा सवाल है कि वह श्री कृष्ण की 15वीं पीढ़ी का नाम बता दे, या अपनी से 15वीं के ऊपर का 5 पीढ़ी का नाम बता दे। मैं अपना पूरा का पूरा घर खेत उसे दान करके एक कपड़े में घर से निकल जाऊंगा, क्या है कोई माई का लाल ये बताने को? क्या जब श्री कृष्ण राजा थे उस समय यादवों के और परिवार नहीं थे? क्या पता मैं किस परिवार का हूं, उनके परिवार का ना हूं? तो मैं अपने आप को यह गाली, अपने वंशजों को क्यों गाली दूं? हो सकता है मैं श्री कृष्ण के बहन के यहां की कोई रिश्तेदारी में रहूं, अब मैं बताऊं कि मैं वहां श्री कृष्ण का वंशज हूं, तो यह श्री कृष्ण को गाली ना होगी? तो मेरे भाइयों, गौरवान्वित होने के लिए आप गौरवान्वित होइए। यदि आप में जरा सा भी क्षत्रित्व की भावना अगर जागृत हो रही है तो सबसे पहले विंध्याचल से चुटियाधारी खाली कराओ और मथुरा से चुटियाधारी भगाओ, तब जाके मुझे भी विश्वास होगा कि जो आप कह रहे हो कि क्षत्रिय हो तो हो, अन्यथा आपको मैं महज जो ब्राह्मणों ने बताया तब तक मैं वही मानता रहूंगा, क्योंकि आप उसी श्रृंखला में दौड़ रहे हो जो श्रृंखला ब्राह्मणीकरण से तैयार हुई है, और वो श्रृंखला है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इस श्रृंखला में यदि ब्राह्मण आप हिंदू अपने आप को मानते हो, उस तो दूसरी तरफ से ब्राह्मण उठ के ये कहता है कि तुम नहीं वास्तविक क्षत्रिय हो, तब जाके आपकी यह श्रृंखला पूरी होगी, क्योंकि उसने ब्राह्मण जातियां बनाने का काम किसने किया? मोहन भागवत ने भी बताया, पहले ब्राह्मण बताया फिर अगले दिन बदल के पंडित बताया। तो यह पंडित कौन है? पंडित वो है, मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं, जो ओबीसी का साधु होता है या वो होता है ब्राह्मण पुजारी होता है या पुरोहित होता है। दूसरी तरफ ये ओबीसी एससी में पुरोहित नहीं होते हैं, यानी यहां जो साधु होते हैं वो साधु होते हैं। वो साधु को मंदिर में, जहां पे बड़ा मंदिर होता है वहां इसे पूजा करने का अधिकार नहीं होता ओबीसी एससी वाले को, और सवर्णों वाले को होता है। तो आप यहां से समझ लीजिए आप कौन से क्षत्रिय हो। आप गए जब यहां से और जब आप पुजारी बने, साधु बने, तो आपको पूजा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वहां दूसरी तरफ उसने क्षत्रिय बनाया है उसे पूजा करने का अधिकार है। तो आप यहां से कहीं ना कहीं से खोज करो, स्वयंभू क्षत्रिय बनने का प्रयास ना करो। अगर स्वयंभू क्षत्रिय बनने का प्रयास कर रहे हो तो क्षत्रिय वाले काम करना शुरू कर दो। छीन लो मथुरा, छीन लो विंध्याचल, खरबों की संपत्ति आपकी, आपके समाज की, ये लूट ले जा रहे हैं।
हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, विंध्याचल में आप खड़े हो जाइए तो आधा उत्तर प्रदेश वहां पे जाके पूजा कर रहा है। यादवों के सभी परिवार वहां जाते हैं अपने बच्चों के मुंडन करवाने, मान पूड़ी चढ़ाने, इस तरह के बहुत बहुत सारी मान्यताएं हैं जो वहां पे जाते हैं। आप ये नहीं छुड़ा पाते और कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय आप कहिए, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन क्षत्रिय बनिए। फिर वो क्षत्रिय मत बनिए कि आप की सत्ता एक सन्यासी चला रहा है, एक साधु चला रहा है। कौन से क्षत्रिय हो मेरे भाई आप? क्षत्रिय कहना छोड़ दीजिए आप लोग। क्षत्रिय तब कहिएगा जब ये शासन सत्ता अपने हाथ में ले लीजिएगा। आज हमारे किसी भाई के साथ अत्याचार होता है तो दो आदमी भी वहां इकट्ठा नहीं होते। आज हमारे समाज में जो ओबीसी एससी पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए कोई भी यादव नहीं निकलता, या कोई भी क्षत्रिय बनता हुआ जो पिछड़ी जाति का है कोई नहीं निकलता। ये क्षत्रिय के लक्षण हैं, ये गुलामों के लक्षण हैं कि हिम्मत नहीं लेती, निकले तो जेल में डाल दिए जाएंगे। तो लास्ट में मैं फिर यही कहूंगा कि आप सूरवीरों की संतानें हैं। हम पिछड़े और ऐसी यहां के, हमारे छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे, हम छोटे छोटे रजवाड़ों के भाग वाले हैं। हमारा ये अपना देश है और यहां पर कुछ गद्दार आए हैं जो आप पे शासन कर रहे हैं। उन गद्दारों को जिस दिन आप भगा लेंगे, वास्तविक मैं मान लूंगा कि आप क्षत्रिय हैं, लेकिन उसके पहले आप कहते हैं क्षत्रिय तो ये स्वयंभू अपने घर में कुछ भी बने रहिए। मैं यहां पे अपने घर में बैठ कहता हूं मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन पूरा देश मानेगा क्या? पूरा देश मान रहा है मैं प्रधानमंत्री हूं? नहीं मान रहा ना भाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां की उस प्रणाली व्यवस्था से प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। तो क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए आपको पीछे के निकाल के मत दिखाइए इतिहास की चीजें। वो सूरवीर थे, इतिहास की चीजों का आप एक हिस्सा भी नहीं कर रहे हो। आप अगर एक हिस्सा जो आपके सूरवीर आपके राजा किया करते थे वो जिस दिन कर लेना, उस दिन बात करना कि आप क्षत्रिय हो। आप उनको दिखा के खुद क्षत्रिय बन रहे हो, ये कहां का भाई नियम है? क्षत्रिय है तो अपने बाहुबल पर भरोसा करो और निकलो मैदान में और सत्ता भारत की अपने हाथ में लो। कुछ चंद बेवकूफ और सातिर लोग सत्ता में बैठे हुए आपको गुलाम बनाए हैं और आप छत्रित्व का पिटारा लिए घूम रहे हैं। ऐसा पिटारा किसी काम का नहीं। और जो भी सवाल आते हैं कृपया सभी साथियों से, मैं यादव हूं इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जन्म से मुझे पता चला मैं यादव हूं और ये भारत देश है तो मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपने आप को, अपने पूर्वजों को गाली भी नहीं दे सकता कि मैं श्री कृष्ण का वंशज हूं। मैं वंशज हूं जो मेरे दादा परदादा थे, मैं उनका वंशज हूं। तो आप सभी से यह आग्रह है कि इस तरह के बार बार के सवाल मुझसे ना पूछिए। मैं कृष्ण को फिर बता दे रहा हूं, कृष्ण को एक राजा के रूप में स्वीकार किया हूं और वही मानता हूं। भगवान मैं किसी को नहीं मानता। तो आप सभी साथियों से आग्रह है कि जो इस तरह के सवाल मुझसे पूछते हैं वो कृपया मुझसे ना पूछे। मैं अपना नैतिक दायित्व तो जो मेरा है, मैं अपना दायित्व तो निभाता चल रहा हूं अपने समाज को समानता व भाईचारे के लिए एकजुट करने का प्रयास लगातार करता रहूंगा। और जो मेरे भाई हैं जो श्री कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। वो काल्पनिक मानते हैं तो मानते रहें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई कष्ट भी नहीं है, दुख भी नहीं है। और हां, मुझ में इतनी क्षमता भी नहीं है कि मैं साक्ष्य ला के दे पाऊं। केवल इतना मैं उन्हें बता सकता हूं कि ये चीजें थी। और नहीं अगर मानते हैं तो मैं उसे जबरन मनवाने के लिए भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास कोई उसका एविडेंस नहीं है कि ये देखिए मेरे श्री कृष्ण के साथ फोटो है या श्री कृष्ण के साथ मैं बचपन में खेला करता था। तो इस तरह एविडेंस मेरे पास नहीं है। हां, इतना मैं कहूंगा कि मैं
तथा कथित उनकी जाति का हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता उनके विषय में। तो अब शायद सवालों की झड़ी बहुत सारी आएगी और बहुत से लोगों को आपत्ति भी होगी, लेकिन यही मेरे अंतिम जवाब होगा, यही अंतम मेरा वक्तव्य होगा। तो इस विषय में मैं किसी तरह का भी डिस्कस नहीं चाहूंगा। तो आज अभी सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि आप सभी मेरे जागो पंच को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं और भी उत्साहित होकर ऐसे ऐसे जो वीडियो हैं, ये तो मेरा अपना ओपिनियन था, लेकिन और भी चीजें मैं अंधविश्वास और पाखंड को उखाड़ने के लिए आपके बीच में ले आता रहूंगा, ये आपसे वादा है। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप सहयोग देंगे, इतना आप स्नेह करेंगे, उतना ही अच्छा मैं समाज में इस जागरूकता के अभियान को गति दूंगा। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम जी।